four, five. Once I caught a fish alive. Six, seven, eight, nine, ten. Then I let it go again. Again, Ahan. Why did you let it go? Why did you let it go? 'Cause it bit my finger so. Which finger did it bite? Which finger did it bite? My finger. Which one? This. This? Chips khane hai? Yes. Fries? 1, 2, 3, 4, 5. Dikha bubu kidhar hua hai bubu aaj? Mere bete ka bubu kidhar hua hai? Fun. Kaun? Kyun? खा लेगा थोड़े उठो नहीं तो फिर 10 बज गए हैं अब वो कहाँ खुला होगा चमनाबाद वाला चलो फिर चलो उठना है तो उठो ये शर्ट चेंज कर लो बस बहुत हो गया है इतनी बथेरी शर्टें हैं पर आपने पहननी एक ही होती है शूज पहनो दिस इज मम्मी स्पून एंड डोंट टच इट अरे घर से निकलने की देर है कुछ भी नहीं आ रहा दूसरी साइड पे क्या हाँ दिखाओ अपना फेस वहां बारिश हो रही है बारिश हो रही है आंखों पे पड़ी है बारिश जल्दी जल्दी बाइक टूट जाएगी दिखाओ दिस इज चॉकलेट दिखाओ कप शर्ट दिखाओ देखो सारी बारिश में आप गीले हो गए वो इसने बंद किया खुला हुआ था खा लो चॉकलेट पीछे पा ले दो पीस खा चुके अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम बैक टू अदर व्लॉग होप यू आर डूइंग फाइन वेल मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह और कौन कौन हाय डोंट शूज पहनो चले जी हम इस टाइम जा रहे हैं बाहर पौने 10 हो गए हैं बिकॉज और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि चलो चलो बाय चले जी चलो चले लेट्स गो आउटसाइड चले ये शूज पहनो ये आपके शूज शूज पहनो जल्दी से ठीक है हम बाहर जा रहे हैं हम अब भी घर गए थे बाहर वैसे तो और इतना प्यारा मौसम हो गया आंधी आने लग गई तूफान आया और जैसे हम घर से निकले वैसे तो मौसम सही था लेकिन जब घर से जी बेटा मम्मी हाँ नहीं 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 हैंड हिल गया तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो आंधी चल गई और आंधी चली तो बारिश आ गई फिर हम घर वापस आ गए थे बारिश में भीग भगा के अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी सैर करवाएंगे इसको कुछ खाने पीने के लिए लेके देंगे और अब्दुल्ला का भी दिल कर रहा है कि मौसम अच्छा हो रहा है तो हम कहीं कुछ खा पी ले एज यूजल हम जिस जैसे बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा कर पी कर ही आते हैं ठीक है तो चलो जी चलते हैं वो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से जाए वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें और उसको लाइक करें और ये मेरे बेटे ने बेड
मेरी बात करते करते पूरा बेड खराब कर दिया। आहत बस आओ इधर शूज पहनो लेट्स गो। मुझे लग रहा है आपने पोटी भी कर दिया। पोटी क्या? ओ अब हमने घर आके कपड़े चेंज किए और अब हम फिर जाएंगे कुछ खाने के बाद शूज। ठीक है तो 10 बज गए जाएंगे लेकिन उससे पहले इसका डायपर चेंज करेंगे। पोटी वाला डायपर चेंज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। आओ जल्दी आओ आओ ये देखो डायपर। हाँ आओ इधर लेटो इधर आके। क्यों? नो नो व्हाई नो चेंज चेंज जाना नहीं है फिर आओ ना चेंज करें डायपर चेंज करें। ये भी एक टास्क है बच्चे को पहले समेटो। ये देखना अब इधर इधर आई हूँ ना अब ये इधर चला के आगे लग लग के भागे आओ। क्या कर रहे हो? मैं हैप्पी को लगा दूँ डायपर। ये देखो मैं हैप्पी को लगाने लगी हूँ। आओ हैप्पी हैप्पी आओ मैं आपको डायपर लगा दूँ। हैप्पी को लगा दूँ आओ हैप्पी 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 का डायपर लगा दिया। हैप्पी 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 चले मेरे से पकड़ लीजिए दोबारा भाग इसका डायपर चेंज कर। चलें जी इसका डायपर दुपट्टा चेंज हो गया और आ चलो उतरो शूज पहनो जल्दी से। हैं हाथी स्क्वाइन हाथी नहीं कहते एलिफेंट कहते। व्हाट हैपेंड शूज पहनो चलो चले डैडी वे इज वेटिंग आउटसाइड। हैप्पी कमिंग नहीं हैप्पी नॉट कमिंग हैप्पी ने नहीं आना। हैप्पी नाराज हो गया आपसे एंग्री हो गया अब। हैप्पी एंग्री यस हैप्पी एंग्री चलो अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन से अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलो आप बात करो मैंने पकड़ा हुआ है आप बात करो। अस्सलाम वालेकुम और कैसे कहते हैं वेलकम फोन बाद में अस्सलाम वालेकुम वेलकम करो। अच्छा चलो चले चले अच्छा चलो चले चलो चले डैडी वेटिंग कर रहे डैडी वेट कर रहे चलो चले चलो ना चलो चले चले देखते हैं कहाँ जाते हैं अब हम। ठीक है डायपर शेपर चेंज कर दिए ताकि अगर हम 2 घंटे भी बाहर घूमे तो उसका डायपर चले। ठीक है तो चलो चले लेट्स गो। सही आ रही है यहाँ पे वीडियो बिल्कुल सही आ रही है। बेबी दुबू जो मुंडा ते मुंह खोल के सोया पे और फुल नींद में है। के लिए कहा ये था कि आप वहां से अपना सैंडविच खा लेना और गोलगप्पे को चाहे भूल जाओ पर आप नहीं भूले और आपने यहाँ पे आके बैठ के घटिया गोलगप्पे खा रहे। मैंने आपको कहा नहीं कि आसानी से आपने जब पहली दफा पहले सैंडविच खाया था आप वो खा लेना इसलिए मैंने आपको इस रास्ते पे डाला। मैंने यहाँ पे आपको गोलगप्पे खिलाने के लिए घर लेके दी। अब इसके बाद आपसे खाना खाया जाएगा तो फिर बच्चा भी मेरा सुला दिया अब मैं इसको सोया पे को लेके जाऊंगी घर। पैसे बर्बाद करते हैं ट्राई करते हैं और पैसे बर्बाद करते हैं। यार पता कितना लगेगा
मैं अपनी तरफ कैमरा ही नहीं कर सकती, मेरा हाथ नहीं घूमेगा। पर ये अभी घर जाके उठा तो उसका मतलब है कि ये कब सोएगा, सुबह 4 बजे। यानी सारी रात खराब। मैंने आपको कहा भी था इसको सोने ना दो, सोने ना। आप यहाँ पे गोलगप्पे खाने आए थे और ये देखिए यहाँ पे सो गए। अब्दुल्ला के बिल करवाने, गोलगप्पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मजे के नहीं थे और जरा टेस्टी नहीं थे। अब्दुल्ला साहब आप बिल के देने गए हैं वहाँ पे, तो सुबह हम घर चलेंगे। अब टेंशन ये हो रही है कि ये अब सो गया है और अब ये उठेगा जब तो फिर सुबह 4 बजे से पहले नहीं सोएगा, बिकॉज अभी 12 बज गए और ये सो गया है। देखो 11 बजे अभी सो गया, हवा ठंडी पड़ी है ना तो सो गया। ओके जी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट डे आ गया है एंड कल हम लोग, पहले हम लोग बाहर गए, आहद शोर में चल रहा था, बाहर जाना बाहर गए। बाहर से जब वापस आए तो जी वहां पर बारिश होना शुरू हो गई, एकदम आंधी तूफान और बारिश आ गई। उसके बाद जब हम वापस आए, थोड़े हल्के हल्के बारिश भी होगी, हम फौरन से वापस आ गए बारिश में से गीले होके। फिर थोड़ा मौसम ठीक हुआ, अब्दुल्ला ने कहा अब मौसम सही हो गया है, चलो बारिश भी रुक गई है तो चलो चलते हैं हम लोग गोलगप्पे खाने। वो जी कुछ खाने पीने के लिए बाहर गए, गोलगप्पे खाए वहां पे किसी जगह से, रोड साइड से। अब्दुल्ला का दिल कह रहा था भाई भरे हुए गोलगप्पे कोई चेंज होना चाहिए। गोलगप्पे अब्दुल्ला ने खाए, मैंने नहीं खाए। और आपने देखा कि वहां पे आहत सो गया था, आहत को जरा सी ठंडी हवा लगी और आहत सो गया। वो आज का जरा ट्यूशन भी जा रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है तो फिर वो थक जाता है, दोपहर में सो नहीं पा रहा, मैं से सोने नहीं देती, तो फिर वो 10, 10:30, 11 बजे बस गिरना शुरू हो जाता है। वो सो गया फिर उठा भी नहीं, फिर मैंने व्लॉग जो है वो ना बनाया ना कंटिन्यू किया, बिकॉज मेरी गोद में था वो। सो बस अब मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ वहीं से, और आहत को ट्यूशन छोड़ा ही हूँ। और आज आहत को जब छोड़ के आई हूँ तो आज आहत जो है ना जरा, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी आ गई थी, सैटरडे और संडे की छुट्टी थी, तो आज जब उसको छोड़ के आई हूँ ना तो आज थोड़ा सा वो आवाजें लगा रहा था, मम्मी वेयर आर यू, रोया नहीं लेकिन आवाज लगा रहा था। तो पता नहीं उनको तंग ना कर रहा हो, ये ना हो कि 5-10 मिनट बाद ही फोन आ जाए कि जी आए अपने बेटे को ले जाए, वो हमसे काबू में नहीं आ रहा। ठीक है, ये है चिकन, कल पकाया था रात को और उसके साथ मैंने आज दाल चावल पकाया। पहले मैं चिकन के साथ थोड़े से चावल खाऊंगी, अगर मजा आया तो ठीक है, वरना फिर दाल चावल खाऊंगी। ठीक है, आज दाल चावल पकाए हैं, वही दाल नहीं ली मैंने, चावल पे थोड़ा सा चिकन डाला क्योंकि मैंने कल रात नहीं खाया था, चिकन कोरमा बनाया था, थोड़े गेस्ट आए हुए थे तो वो चिकन का कोरमा बनाया था, खाना शाना बना के। तो अब जो है वो अब मैं और अब्दुल्ला अब खाने लगे हैं चिकन, तो बाकी सब ने तो रात को खा ही लिया था। दोपहर के लिए आज दाल पकी है, दाल और चावल, आहत को खाना खिला के भेज दिया था, वेट करेंगे अभी 5 बज गए और 15-20 मिनट तक उसके वापिस आने का टाइम भी हो जाना है, तो इसलिए तब तक काम खाना भी खा लेते और नमाज भी पढ़ लेते, नमाज मैंने नहीं पढ़ी अभी तक। ठीक है, तो चले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द बिलो सेक्शन। एंड यस, मुझे मेरे बेटे को दुआ में याद रखना है, अपना अपने गिफ्ट रहने वालों का बहुत ख्याल रखना है एंड मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखना है। सो मिलते हैं अगले किसी अच्छे व्लॉग में, लाइट गई भी इस टाइम, सो स्टे ट्यून एंड अंटिल अल्लाह हाफिज़।